हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रिचा। मैं आज आपके साथ एक अंडर आई मास्क शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से आप जितने भी होम रेमेडीज़ मैं बताती हूं, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप लोग सिर्फ ज़्यादा नहीं, तो अभी समर्स चल रहे हैं तो आप 15 डेज आप इसको जो भी मास्क बोलती हूँ, फेस मास्क बोलती हूँ, अंडर आई मास्क बोलती हूँ, आपको लिप बाम के लिए बोलती हूँ, आपके लिए मतलब बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने दे रखी हैं। आप मेरा चैनल सर्च करोगे रिचा रॉय नाम से तो आपको सारी रेमेडीज़ आपके सामने आ जाएंगी। और मैंने बहुत ही अच्छा मिस्ट बना रखा है जो कि कैरेट से बनाया था मैंने। फेस मिस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। आप उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, वो बहुत ही अच्छा है। मैं जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं। वो बहुत ही आपको अमेजिंग तो रहेंगी और आपकी स्किन पे वर्क जरूर करेंगी। हर स्किन टाइप वालों के लिए मैं बनाती हूँ, सूटेबल होता है। मैं उसी तरह की चीज़ों को आपके लिए रिकमेंड करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए कि मैंने इसको बनाया कैसे है। और आपकी स्किन अगर आप नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, तो भी आप उसको लगा सकते हो। और अगर आपके हैं तब तो आपको अप्लाई करना ही है। बहुत ही आराम से इसको अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलिए सबसे पहले इसकी देख लीजिए कि इसको बनाया कैसे है मैंने, फिर देखते हैं इसको लगाना कैसे है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है और आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, रिचा रॉय नाम से है वो। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन आएगा तो उसको भी ज़रूर हिट कीजिएगा। हिट करेंगे तो आप जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए इसको मैंने बनाया कैसे है। तो फ्रेंड्स, अंडर आई मास्क के लिए हमें चाहिए एक चम्मच। मैं आलू का जूस ले रही हूँ, मैंने एक आलू लिया और उसको मैंने कद्दूकस करके और ऐसे एक जूस निकाल लिया है, कद्दूकस करके छलनी से छान लिया है। तो अब मैं एक चम्मच इसको ले लूँगी। आलू के रस से तो आप जानते ही हैं कि आपका जितना भी अंडर आई ब्लैक होती है वो निकल जाता है, मतलब कम हो जाता है। इससे इसका स्टार्च भी लेना है, बहुत ही अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है। और मैं ऐसे ही मैंने कोकम्बर का जूस निकाल लिया है, इसको धोकर कोकम्बर को एक धोया और किस कर और उसको कद्दूकस करके, और एक चम्मच मैं इसका भी जूस ले रही हूँ। ये आपकी स्किन को, आपकी आइस स्किन को ठंडक प्रोवाइड करेगा। और आप इसको बनाकर भी रख सकते हो फ्रेंड्स, इसको आप 2 से 3 दिन के लिए बनाकर रख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ले रही हूँ हनी, मैं डाबर हनी ले रही हूँ 1/2 स्पून, थोड़ा ही लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपकी मॉइस्चर होता रहेगा आपकी अंडर आइज एरिया में, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये। अगर आपको फाइन लाइन्स हैं तो इससे रिड्यूस भी हो जाएंगी। और मैं ले रही हूँ ये है ओलिव ऑयल, मैं फिगारो का ओलिव ऑयल ले रही हूँ, और ये भी मैं थोड़ा सा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो इससे एकदम अच्छी हो जाएगी, ठीक हो। और अच्छे से इसको मिक्स करके आपको इससे 5 मिनट्स के लिए मसाज करनी है अपने आईज एरिया पर, और ऐसे ही छोड़ देना है ओवर नाइट। तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का मिलेगा आपको। और आपको ये रोज़ लगाना है, अगर ये आपसे ज़्यादा बन जाती है तो आप इसको 2-3 डेज़ के लिए आप बनाकर रख लीजिए, और छोटी सी डब्बी में आप इसको, या टाइट डब्बी हो तो उसमें बनाकर आप रख सकते हो। तो चलिए इसको लगाना कैसे मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैं किस तरह बनाया है मैंने इसको। तो अभी मैं ये इस तरह से बहुत अच्छे से आपको जेंटली, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट्स आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स
हो जानी चाहिए, ऑयलीनेस होना चाहिए, मतलब ऑयल और अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो आप इस वाली फिंगर से या फिर टू फिंगर से आप इस तरह से पहले आप लगा लीजिए इस तरह से, और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से 5 मिनट्स मसाज कीजिए। आपको सबसे पहले वॉश कर लेना है अपने फेस को, और उसके बाद आपको बिल्कुल जेंटल होकर आपको इस तरह से मसाज करनी है। 5 मिनट्स के लिए आप मसाज कीजिए, और उसके बाद आप ऐसे ही छोड़ देंगे अपने फेस को। जो भी क्रीम लगाते हैं आप वो लगा सकते हो पहले क्लीन करने के बाद फेस को, उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आई एरिया पे। और 5 मिनट्स तक आप इससे मसाज करके आपको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। आपकी जितने भी आपकी जो स्किन है अंडर आई एरिया की ड्राई रहती है, तो वो भी आपकी ड्राई नहीं रहेगी। आपकी जो अंडर आई एरिया बहुत ही ब्लैकनेस होती है तो वो नहीं होगी, और अगर आपके नहीं है ब्लैकनेस तो वो भी कभी भी नहीं होंगे। तो आप एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर ये बहुत ज़्यादा बच जाता है आपके पास तो आप इसको रख सकते हो, फ्रिज में रख दीजिएगा इसको पैक कर कर एक डब्बी में, और इस तरह से आपको 5 मिनट्स के लिए इस तरह मसाज करनी है। और ये बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। मैंने किसी को बताया था, अपने पहचान वाले को ही किसी को बताया था, तो उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, तो बहुत ज़्यादा उनको आराम मिला इससे। उनकी जितनी भी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक थी उनकी आईज़, तो अभी उनकी आईज़ बिल्कुल ही ब्लैक नहीं है, सही हो गई है। तो आप लोगों को मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए इस रेमेडी को, इसलिए मैंने कर रही हूँ। और आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट तो हो ही जाएगी हनी से और ऑलिव ऑयल से, और जो मैंने कुकुम्बर डाला है उससे आपकी स्किन जो है ना अंडर आइज़ की वो एकदम क्या कहते हैं कूल रहेगी, ड्राई नहीं होने देगी, आपकी जितने ठंडक प्रोवाइड करेगी आपकी अंडर आई एरिया को। और पटेटो तो आप जानते ही हैं वो कितना अच्छा होता है अंडर आई एरिया के लिए, वैसे तो पूरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन अंडर आई एरिया पे ज़्यादा ही वर्क करता है। तो मैंने 5 मिनट्स के लिए ऐसे लगा लूँगी, और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, मैं ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ बनाकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह से इसको अप्लाई किया है, किस तरह मैंने बनाया है, और आपको ये रेमेडी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की तो उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए आई एरिया, और उनको भी थोड़ा पता चले कि हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग देखते हो। तो आप भी ट्राई कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ट्राई करवाइए, अपने फ्रेंड्स को भी ट्राई करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ मेरे वीडियोस, और आप भी ट्राई कर लीजिए। और आपको अगर मेरी ये अच्छी लगी है होम रेमेडी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको यूज़ कर रहे हो कि नहीं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरी ये रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं। और गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग जो मैं गिव अवे रखी हूँ उसमें आप लोग आप लोग उसमें हिस्सा ले रहे हो कि नहीं, सॉरी नहीं बोल पाई मैं, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए, और ज़रूर से ज़रूर आप उसमें मुझे सारे वीडियोस में आप कमेंट कीजिए, मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए देखिए, और मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, मैं रोज़ ही ये बात बोलती हूँ, तो आप लोग नए आए तो प्लीज़ तरह से आप लोग ज़रूर और पिछले वीडियोस मेरे ज़रूर देखिए, मैंने जो आगे वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं उन वीडियोस को देखिए, और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी तो आप उन लोगों को उनको भी देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, बाय फ्रेंड्स।